उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री सूर्य प्रताप शाही जनपद इटावा पहुंचे, जहां पर वृक्षारोपण के कार्यक्रम में शामिल हुए और वृक्षारोपण किया। इस दरमियान उन्होंने मीडिया कर्मियों से बात करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा और उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। देखिए, कांग्रेस तो बहुत सारी बातें कहती रहती है, तो उस पर मैं क्या टिप्पणी करूं। जो एक जनपद में भी लड़ने लायक नहीं है, वो अपने को कहते हैं कि हम बीजेपी का विकल्प बनने जा रहे हैं। तो मैं तो समझ रहा हूँ कि ये कांग्रेस का दिवा स्वप्न है, पूरे देश से वो समाप्त होती चली जा रही है, फिर भी जो है वो अपने इन हरकतों से बाज नहीं आ रही, तो उसके ऊपर मुझे कुछ नहीं कहना। देखिए, पूरा देश आज भारतीय जनता पार्टी के साथ है। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश में श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी की सरकार से जो जन सुविधाएं आम आदमी को प्राप्त हुई हैं, उससे पूरा देश जो है उनके साथ खड़ा है। और उसी कड़ी में जिला पंचायत के लिए भी हमारे केंद्र और प्रदेश सरकार के कार्यों के कारण जो जन स्वीकारोक्ति है, उस पर उत्तर प्रदेश की जनता ने इस पंचायत के चुनाव पर मुहर लगाई है और इसके कारण जो है वो विकास के कार्यों में और तेज गति होगी। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के भीतर जो अधिकार प्राप्त है, उसमें जब अच्छे लोग आएंगे तो स्वाभाविक रूप से उसका अच्छा कार्य होगा। मैं उत्तर प्रदेश की जनता को, अपने जिला पंचायत के सभी नवनिर्वाचित सदस्यों को धन्यवाद देता हूं, आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने हमें एक अवसर दिया है। और ये अवसर जो उनका भारतीय जनता पार्टी के साथ अपेक्षाएँ हैं, हम उसको साकार करने में समर्थ होंगे।